अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू हाउसेज इन पाकिस्तान। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं, ये 10 मरला का घर है और इसके सामने ये रोड आप देख सकते हैं। ये देखें, ये इस 10 मरला के घर का फ्रंट एलिवेशन है। बहुत ही खूबसूरत घर है और इस घर में जो है वो बेसमेंट मौजूद है। गेट आप इस घर का देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन जो है उसको ऑन कर दीजिएगा ताकि हर हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। काम किया गया है गेट पे। तो अभी हम घर के अंदर दाखिल हो चुके हैं जी। ये इस घर का कार पोर्च है, दो गाड़ियों का गराज है और ये आप फ्रंट एलिवेशन जो है वो देख सकते हैं। बिल्कुल ब्रांड न्यू घर है ये। ये देखें, यहाँ से नीचे बेसमेंट आपको नज़र आ रही है। इस साइड पे जो है वो वॉशरूम में दिया गया है। ये देखें, अभी वॉशरूम में कोई सामान वगैरह पड़ा है। कुरानी आयत लिखी गई है। वॉलग्राफी बहुत ही खूबसूरत। ये इस घर की मेन एंट्रेंस है। ये सीढ़ियाँ जो हैं ये ऊपर की जा रही हैं फर्स्ट फ्लोर पे और ये स्टेयर्स जो हैं ये नीचे जा रही हैं बेसमेंट में। ये अंदर घर की मेन एंट्रेंस है। अभी हम इस घर के टीवी लाउंज में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा टीवी लाउंज है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत काम किया गया है इस घर में। इस साइड पे जो है वो किचन है। ये आप केबिन्स वगैरह देख सकते हैं किचन के, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किए गए हैं। लकड़ी का काम बहुत अच्छा किया गया है। इस साइड पे एक छोटा सा आगे किचन है जहाँ पे आप कुकिंग कर सकते हैं। बाहर वाला जो किचन है वो फूड को डेकोरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा या आपके बर्तन वगैरह सर्विंग के लिए। ये देखें, और ये टीवी लाउंज जो है वो बहुत ही बड़ा टीवी लाउंज है और इसमें जो मिरर लगाए गए हैं फ्लोर में, ये देखें, यहाँ से आपको नीचे बेसमेंट जो है वो नज़र आ रही है, बेसमेंट में जो गली है। आगे जाते हैं तो लेफ़्ट साइड पे हमें एक बेडरूम मिलता है। बेडरूम का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। वुड स्टाइल की जो टाइल है वो फ्लोर में यूज़ की गई है, प्लस इसके सीलिंग का डिज़ाइन भी आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है। एक बहुत बड़ी अलमारी आपको मिल जाती है अंदर और ये सीलिंग का डिज़ाइन। लाइट नहीं है इस घर में, इसलिए आपको थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा हमारे साथ। सॉलिड वुड के डोर इस्तेमाल किए गए हैं। ये देखें, ये वॉशरूम और ये वॉशरूम की सीलिंग टाइल कॉम्बिनेशन ज़रा आप चेक करें, बहुत ही खूबसूरत। और एसेसरीज़ जो वॉशरूम में यूज़ की गई हैं, A+ एसेसरीज़ यूज़ की गई हैं वॉशरूम में। तो ग्राउंड फ्लोर पे हमने बेडरूम नंबर 1 जो है वो विज़िट कर लिया है। इसके सामने ही एक और डोर है जो कि बेडरूम नंबर 2 है ग्राउंड फ्लोर पे। इसकी सीलिंग का डिज़ाइन भी आप देख सकते हैं और ये अलमारी, इसके साथ भी अटैच वॉशरूम है। ये वॉशरूम की टाइल्स बहुत खूबसूरत। घर है ये, इस घर की डिमांड है 2,50,00,000 जो कि कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, मुनासिब डिमांड है। अगर ये घर लाहौर में होता तो आपको तकरीबन 6 से 7 करोड़ में मिलता।
तो चलें जी अब आपको ऊपर ले चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन जो है उसको प्रेस कर दीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा। आप स्टेयर लॉबीज़ में आ चुके हैं, सामने आपको मेन एंट्रेंस नज़र आ रही है और ये देखें जी अब हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं और फर्स्ट फ्लोर का टीवी लॉन्च मैं आपको विज़िट करवा रहा हूँ। टीवी लॉन्च की सीलिंग आप देखें और नीचे जो ओपन किचन दिया गया है उसका डिज़ाइन चेक करें और सीलिंग का डिज़ाइन चेक करें, कलर कॉम्बिनेशन का कितना ख्याल रखा गया यहाँ पे। ये बहुत ही अच्छा साइन होता है जो कलर कॉम्बिनेशन है घरों की, पेंट वगैरह और आपकी जो एक्सेसरीज़ की कलर कॉम्बिनेशन होती है वो सेम होनी चाहिए। ये देखें ब्लैक एंड वाइट और सीलिंग में भी ब्लैक एंड वाइट ही यूज़ किया गया है। इस साइड पे जो है वो ओपन एरिया दिया गया है, आप इसको लॉन्ड्री एरिया भी कह सकते हैं। और यहाँ से ये स्टेयर्स जो हैं ये ऊपर जा रही हैं सेकंड फ्लोर पे। ओपन किचन के साथ ही एक बेडरूम दिया गया है फर्स्ट फ्लोर पे, पहला बेडरूम है। नीचे हम दो बेडरूम विज़िट कर चुके हैं, दो बेडरूम इस फ्लोर पे होंगे। ये अलमारी आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है और इसके साथ भी अटैच वॉशरूम जो है वो दिया गया है। अगेन आप टाइल्स का कलर चेक कर सकते हैं, कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत। ये बेडरूम नंबर एक फर्स्ट फ्लोर पे हमने विज़िट कर लिया, अभी हम देखते हैं दूसरा बेडरूम। ये दूसरा बेडरूम है जी फर्स्ट फ्लोर पे। ये सीलिंग है जी बेडरूम की और इस साइड पे जो है वो अलमारी दी गई है और सामने आपको अटैच वॉशरूम मिलता है। यहाँ से आप टेरेस में भी एंटर हो सकते हैं। ये देखें कितना बड़ा और ख़ूबसूरत वॉशरूम है। दिस इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल 10 मरला डबल स्टोरी हाउस डिज़ाइन विद बेसमेंट इन साहिवाल। ये अपस्टेयर लॉबीज़ का जो डिज़ाइन था। तो चलें जी अब आपको बेसमेंट विज़िट करवाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन कर दिया करें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो अभी हम जा रहे हैं जी बेसमेंट की तरफ। बेसमेंट में आते ही राइट साइड पे आपको स्टोर रूम मिलता है और सीढ़ियों के नीचे जो है वो आपको किचन मिलता है। सामने आपको जो एंट्रेंस मिलती है वो आपका टीवी लॉन्ज है। और ये सीलिंग आप देख सकते हैं सिंपल रखी गई है। इस साइड पे लॉन्ड्री एरिया दिया गया है और छोटा सा जो है वो लॉन है जो कि जिसको आर्टिफिशियल ग्रास से डेकोरेट किया गया है। इस साइड पे जो है वो डाइनिंग है। और सीढ़ियों के नीचे ये देखें किचन है बेसमेंट का।
ये देखें आर्टिफिशियल ग्रास से ही एक और लॉन डिज़ाइन किया गया है, बहुत खूबसूरत। और ये डोर जो है ये डाइनिंग का है, लिविंग रूम के साथ कनेक्ट है डाइनिंग रूम। तो आगे चलते हैं जी, ये राइट साइड पे एक बेडरूम है बेसमेंट में, ये इस घर का बेडरूम नंबर 5 है। तो लाइट नहीं है जिस वजह से आपको जो है वो रिज़ल्ट सही नहीं मिल रहा होगा वीडियो का। ये इस बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम है, इसके अलावा सामने आपको जो है वो अलमारी नज़र आ रही है, ये बहुत बड़ी अलमारी है। अभी लाइट नहीं है तो आपको मे बी इतना क्लियर ना नज़र आए, लेकिन आप जब विज़िट करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये घर बहुत पसंद आने वाला है। ये दूसरा बेडरूम है जी बेसमेंट में, और इस साइड पे आपको व्यू मिलता है लॉन का। ये अलमारी इसमें भी मौजूद है, और ये अटैच वॉशरूम है बेडरूम नंबर 6 के साथ, और ये बेसमेंट में दूसरा बेडरूम है। ये देखें ये बेडरूम नंबर 1 और ये बेडरूम नंबर 2, ये बेसमेंट में है जी। और ये जो स्टोर रूम है इसमें एक चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गया हूँ, मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये अलमारी मौजूद है इसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर आपको ये घर पसंद आया हो तो हमसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। ये घर डिज़ाइन किया है हमारे बॉस जो अदील प्राचा साहब हैं, तो थैंक यू प्राचा साहब, आपने बहुत अच्छा घर जो है वो डिज़ाइन किया है, फर्स्ट टाइम इन साहिवाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।